हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट रहे कि आपके इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी SC ST PW वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। चलिए कवर करते हैं नोटिफिकेशन और देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज रहेंगी। पहले आप सैलरी देख लें, अच्छी खासी सैलरी बन रही है एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी चलिए कवर करते हैं डिपार्टमेंट। बट उससे पहले अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो पोस्टेड की हैं अपने चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल। उसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, फिर भी कोई आपका सब्जेक्ट ना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और देखते हैं डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ लैंग्वेज में देख लें, लैंग्वेज का है आपका डिपार्टमेंट, फॉरन लैंग्वेज, इंटरनेशनल स्टडीज़। क्वालिफिकेशन साथ में देख के रखी है आपको, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट ऑफ द मास्टर एंड PhD डिग्री, तो आप देख लें। इसमें डिजायरेबल भी है जो कि आपके लिए मैंडेटरी डिजायरेबल है। स्कूल ऑफ लिटरेचर में देखें परफॉर्मिंग आर्ट्स है, OBC की 1 पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ पोजीशन भी आप देख लें। इसी तरह जो है स्कूल ऑफ कल्चर है वुमेन स्टडीज़ में, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन है ट्रांसलेशन स्टडीज़, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन है ट्रांसलेशन स्टडीज़, स्कूल ऑफ एजुकेशन देख लें एजुकेशन की पोस्ट है जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट ऑफ द मास्टर PhD डिग्री होनी चाहिए फिलोसफी में। फिलोसफी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन, इसमें एजुकेशन है, प्रोफेसर की वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर में देखें, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन लैंग्वेज इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो इसमें आप देख लें MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो विद स्पेशलाइजेशन लिबरल आर्ट्स। स्कूल ऑफ लॉ में देख लें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ SC की वैकेंसीज है, स्कूल ऑफ लिटरेचर में परफॉर्मिंग आर्ट्स की है, स्कूल ऑफ कल्चर में देख लें, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इन्होंने साथ में देख के रखा है, हिस्ट्री की है जो क्वालिफिकेशन जो आपकी मास्टर चाहिए PhD डिग्री चाहिए इन हिस्ट्री। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में भी देख लें आप, रीजनल सेंटर कोलकाता में भी है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वैकेंसी ह्यूमनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में होनी चाहिए आपकी PhD और मास्टर डिग्री। रीजनल सेंटर प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है लिंग्विस्टिक में, रीजनल सेंटर कोलकाता में इंडियन फिलोसफी की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसी तरह जो है स्कूल ऑफ कल्चर में गांधी एंड पीस स्टडीज़, तो इसमें देख लें आप गांधी पीस स्टडी की वैकेंसीज है। तो दी 3 पोस्ट सेल बी फिक्स्ड बाय PW इन देयर कंसर्न कैटेगरी एज पर रूल्स। स्पेशलाइजेशन सेल बी डिफाइंड बाय PhD डिग्री और मिनिमम 2 सेमेस्टर डिग्री जो भी आपकी रहेगी। बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। प्रोफेसर ये जैसे आपको पता है आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमनिटीज एजुकेशन लॉ सोशल साइंस लैंग्वेज लाइब्रेरी साइंस एंड फिजिक्स में जो है आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और ओवर में जैसे भी आपको दिया है पूरी क्वालिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। प्रोफेसर में भी आप सब्जेक्ट वाइज देख लें क्या क्या रहेगा आपके पास है, डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आप देख लें जो भी इन्होंने पूरा देख के रखा है आपको और में भी देख के रखा है, तो यदि आप इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो PhD डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री, आप जो एक्सपीरियंस मांगा है वो पढ़ लें। एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपके पास गुड अकेडमिक रोल भी PhD डिग्री होनी चाहिए, तो इन्होंने हर आपको चीज़ डिटेल में बताई है कि आपके पास क्या क्या एसोसिएट प्रोफेसर की पढ़ लें, ड्रामा के लिए आपके लिए क्या चाहिए, हर सब्जेक्ट इन्होंने अलग अलग से देख के रखे, तो बट आप अच्छे से पढ़ लें। मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पे स्केल जैसे कि मैंने आपको बता दी आपकी परमानेंट पोस्ट है तो पे स्केल आपकी अच्छी खासी रहेगी। इसी तरह बात करते हैं जो कि आपको कैसे अप्लाई करना और फीस क्या रहेगी। तो जैसे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1000 जो कि आप देख लें, इन्होंने आपको पूरा जो है देख के रखा है, इस पर आपको अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर IFSC कोड इस पर जो है आपको सबमिट करनी है। SC ST PW एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर फीस, तो आपके लिए जो SC ST और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। तो आप देख लें प्रूफ और रिमिटेंस ऑफ फीस वुड बी सेंड टू रजिस्ट्रार, तो आपको ये भी सेंड करना है जो भी है। बात कर नोटिफिकेशन कहाँ से आई है, तो ये आपकी नोटिफिकेशन आई है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये जो कि महाराष्ट्र में है, तो आप देख लें नोटिफिकेशन जो कि ये जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपकी जो है इंटरव्यू बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी, कॉल लेटर टू अटेंड द इंटरव्यू विल बी सेंड टू द सॉलिसिटेड कैंडिडेट बाई ईमेल ओनली, तो आपको ईमेल के थ्रू जो है आपके कॉल लेटर सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है रेगुलरली वेबसाइट पे विजिट करते रहें जो भी आपका रहेगा, अगर फॉर्म आप इस पोजीशन के लिए फिलअप करते हो तो साथ में आप देख लें कंप्लीट एप्लीकेशन इन और इस पर सेंड टू द रजिस्ट्रार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय गांधी हिल्स वारदा महाराष्ट्र बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट ओनली।
तो आप देख लें जो भी इन्होंने आपसे मांगा है, अच्छे से पढ़ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। साथ में आपके जो है एप्लीकेशन मस्ट बी क्लियरली रिटन और टाइप, जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस होना चाहिए, पोजीशन जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, पोजीशन कोड होना चाहिए, तो अच्छे से पढ़ लें। तो लास्ट डेट जो इन्होंने बता के रखी है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कम्प्लीट इन और रिस्पेक्टेड इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो देख लें जब ये एडवर्टीजमेंट आई है उसके मतलब 30 डेज तक आपको जो है इसको सबमिट करना है जो भी आपकी एप्लीकेशन रहेगी। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन जो मतलब आई है, ये आई है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर तो अभी आपके पास है दिन, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें और चैनल पे बने रहे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हम इस तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बात करेंगे अदर स्टेट्स की वैकेंसीज की। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।